कैसे हैं आप सब। आज है 12 तारीख 12 मई और इस समय टाइम हो रहा है रात के 8:15 बज रहे हैं। मैं हूँ किचन में, अभी थोड़ी एक्सरसाइज करके आई हूँ। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज आज करा दी थी, पर वो ज़्यादा नहीं कराता, हम दोनों को मिला के 30-35 मिनट ही देता है। एक को मशीन लगाता है, दूसरे को एक्सरसाइज कराता है, दूसरे को एक्सरसाइज कराता है, एक को मशीन लगा देता है, बस आधे घंटे में उसका काम पूरा हो जाता है। तो हस्बैंड कई बार कहते हैं कि बहुत कम एक्सरसाइज कराते हैं। चलो उसको छोड़ो, मैं ये बता रही थी कि स्वाति पहुंच गई है बॉम्बे। शुरू के एक दो दिन तो उसका मन नहीं लगा, कहती कहाँ आके फंस गई मैं क्योंकि वहाँ कोई बात करने वाला ही नहीं था। उसकी जो दो रूममेट्स थी वो अपना कॉलेज ज्वाइन करती होंगी, आती होंगी, आपस में लगी रहती, उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि वो नहीं आई थी ना। तो वो कहती कहाँ आके फंस गई, और पर धीरे धीरे उसका मन लग गया। और आज वीरवार है ना, तो आज उसको जो है ऑफिस जाना था। अब मैं बताती हूँ आपको वो ऑफिस गई या नहीं गई। एक तो बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कह रही थी फीवर लग रहा है, गला ख़राब है, ठीक है। तो मुझे की चिंता हो रही थी, हम इसको लगातार फ़ोन करते थे। ये क्या करती थी, अगर 10 फ़ोन करो ना तो एक फ़ोन उठाती है। तो हम भी कई बार परेशान होकर फ़ोन ही नहीं करते छोटे छोड़ो पर, क्योंकि पता नहीं बिज़ी रहती है। रात को 2:15 बजे भी कई बार किसी और से फ़ोन पर लगी होती है, बिज़ी रहती है, मतलब पता नहीं कैसे फ्रेंड से लगी होगी। तो ना फिर हमें भी गुस्सा आता है, कह के हम क्यों करें फ़ोन तेरे को। फिर कल मेरी एक बार थोड़ी सी बात हुई 2-3 मिनट की, और आज भी एक बार बात हुई 2-3 मिनट की। वो पहले वीडियो कॉलिंग कर रही थी और कह रही थी आज मैं ऑफिस गई हूँ, मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ। आज पता है वीरवार को उसका स्टाफ के, मैंने आपको बताया था ना, उसके जो मतलब ग्रुप के जो बच्चे एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तीन चार जन हैं, तो हफ्ते में एक दिन उनको अलाउड है कि एक दिन वो आ सकते हैं। तो वीरवार को उन्होंने अपना दिन निश्चित किया हुआ है, तो वीरवार को आते हैं। तो आज उन्होंने आना था, मैंने बोला था तू भी चली जाइए ऑफिस। तो आज ये गई है, इसने स्टेटस डाला है 11:15 बजे ये देखा कि अपनी वहाँ की लोकल ट्रेन में बैठी हुई है और 11:15 बजे ऑफिस जा रही है। मतलब ये तो हमें स्टेटस देखकर पता लग गया, क्योंकि बीच में हमें चिंता हो गई थी कि इसको तबीयत ख़राब है, तो किसी पता नहीं इसकी सही हुई है कि नहीं, बीमार है क्या है, मतलब थोड़ा चिंता हो जाती है ना। उसके बाद हुआ कि आज फिर ये क्या दोपहर को हम इसको फ़ोन ट्राई कर रहे थे, उसने एक बार उठाया कि वीडियो कॉल कर लीजिए मैं, पर वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। रिकनेक्ट दिखा रहे थे, पर वो कह रही थी मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ। तो आज वो बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो पता है कि ऑफिस जाना ही नहीं चाहती थी, कह रही मैं वहीं बैठ के कमरे में काम कर लूँगी। तो मैंने उसे समझाया, बेटा जब इतना दूर से तू सामान सारा उठा के लेकर गई है सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाके ऑफिस ज्वाइन करना, और कह रही ऑफिस जाने का कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो मैंने कहा फिर वहाँ पे 17,500 क्या वो बाकी और भी खर्चे हो जाते हैं, मतलब मंथली 20,000 लगा लो, तो 20,000 रुपये मतलब खर्च करके वहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या जब तुझे ऑफिस ही ज्वाइन नहीं करना, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने इसको कल समझाया था कि आज वीरवार है, तेरे स्टाफ के लोग आएंगे जो तेरे साथ मतलब काम करते हैं मिलके, तुम बात आपस में करते हो, वो आएंगे, बाकी स्टाफ भी आता है हफ्ते में ना, बता बाकी जो लोगों को हफ्ते में 3 दिन उन्होंने कहा है कि ऑफिस आके काम करो, और इसको भी बोला है कि चाहे तो 5 दिन जा सकती है ऑफिस, मतलब इसके पर डिपेंड करता है, पर एक हफ्ते में एक दिन जाना कंपलसरी है, और कईयों को उन्होंने 3 दिन कर रखा है, बोला अपना हिसाब से करके जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया जो वहाँ के रहने वाले हैं वो हफ्ते में 3 दिन जाएंगे, और ये जो बाकी हैं वो हफ्ते में एक दिन आएंगे। तो आज नहीं का फर्स्ट डे था, हम देख रहे थे कि पता नहीं ऑफिस गई नहीं गई, तो पता लगा ये गई है। ऑफिस दिखाना चाहती थी मुझे, पर वो अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो कह रही कल दिखाऊंगी ऑफिस। और इतनी एक्साइटेड थी ना, कह रही मम्मी 5-star होटल से भी बढ़िया होटल है, होटल नहीं ऑफिस है, होटल कहाँ से हो गया, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, कह रही 5-star होटल से भी अच्छा, बहुत अच्छा मतलब मेरा ऑफिस है। तो अच्छी बात है ना, इसका मन लग जाएगा, इसके पापा भी कह भी रहे थे कि इतना मतलब एक्साइटेड थी ना, तो हो सकता है, पहले कह रही थी कि मैं 2-3 महीनों बाद जॉब छोड़ दूँगी, मतलब 1 साल कम्प्लीट करके पूरा जॉब छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि इसको ना ये काम ही पसंद नहीं आया, यानी बड़ा बोरिंग वाला काम है, मेरे को पसंद नहीं है। तो हम इसे समझा रहे थे कि बेटा 1 साल तो पूरा कर ले, उसके बाद छोड़ दियो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो 1 साल इससे पहले छोड़ दी ना ये काम, तो होता गया कि इसका ना वो हो जाता, मतलब इसके जो 50,000 इसको स्टार्टिंग में बोनस मिला था वो उन्होंने काट लेना था। तो हम कह रहे थे 2-3 महीने रह गए, मतलब तू पूरे कर ले। तो अब इसके पापा कह रहे थे कि ऑफिस पसंद आ गया तो उसका ना भी छोड़े, अच्छी बात है ना ही छोड़े, ठीक है। और साथ में वो CFA का इसने 1 level तो क्लियर कर लिया है, 2nd level के लिए बुक्स मंगा ली हैं पर लेकर ही नहीं गई है, बहुत टफ है, ये भी इंटरनेशनल उसका है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, हाँ ये वाला कोर्स है। तो ये
जो है CA के आसपास ही होता है, जैसे CA होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके आसपास ही होता है। अगर इसके 3 लेवल क्लियर कर लो तो आपको और भी अच्छी जॉब मिलेगी। तो अभी सेकंड जिसने करना है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन कोचिंग भी लेनी पड़ेगी, करेगी। अगर ये जॉब छोड़ती भी थी ना तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो CFA का सेकंड लेवल क्लियर करियो, फिर थर्ड करियो, उसके बाद फिर जो है ना दोबारा जॉब पकड़ लियो। मैंने कहा चलो इसकी मर्जी, अगर कोई ऑफिस पसंद आ गया, वैसे भी इंटरनेशनल लेवल का ऑफिस है तो पसंद आ गया तो कैप्टन ना भी छोड़े, ठीक है ना। चलो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, बात कर ली, चलो आपको दिखाती हूँ कि इसलिए लड़की कर गया रही है। ये लड़की देखो वहाँ बैठी बैठी भी ऑर्डर कर रही है और घर पे सामान आ रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हमें बताती भी नहीं है, बस बेल बजती है, हम कहते हैं क्या जी स्वाति के नाम से सामान आया आप ले लो, हम ले लेते हैं। मैं कहा हमें बताती भी नहीं है। अच्छा आप ये देखो, उसने ये मंगाया था, ये आज ही आया है, गिलोय जूस। मेरा वो जो दो तरह के जूस थे ना उसमें से एक ख़त्म हो गया था, दूसरा भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और इस लड़की को वहाँ बैठी इतनी चिंता हो रही है कि वहीं से ऑर्डर कर रही है और यहाँ पे आ रहा है। इसने आज मंगवाया है गिलोय जो जूस, इम्यूनिटी बढ़ाता है ये, मैंने अभी खोला नहीं है, और एंटी ऑक्सीडेंट वाला है ये, देखो कितने का है, मैं बताती हूँ आपको। ये तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और इसकी ना वो लाइफ है 2 साल की, मतलब 5वां महीना 2021 से 4थे महीने 2023 तक इसकी लाइफ है। 175 रुपये का, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, और ये 500 ml है, ज़्यादा नहीं है। और यूज़ विद इन 30 डेज आफ्टर ओपनिंग द सील, ठीक है, सील खोलने के बाद 30 दिन में यूज़ कर लीजिएगा। ये देखो ये मंगाया है इसने आज आया ये, मेरे को हंसी आ रही। मैंने हमें तो बताती नहीं, अपने आप ही मंगा लेती। और एक और मंगाया इसने, वो कल परसों आया था, ये तो आज ही आया ये वाला, ये देखो यह है थार एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस अभी अगर जो हम अभी पी रहे हैं ना वो व्हीट ग्रास है, एलोवेरा वाला ख़त्म हो गया, व्हीट ग्रास भी ख़त्म होने वाला है, वो थोड़ा सा लिया तो इसने जो है वो मंगवा दिया। तो एलोवेरा जूस है ये वाला, हेल्प्स स्किन और हेयर के लिए अच्छा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और ये कितने है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका 299 रुपीस का है, और एक्सपायरी डेट है इसकी 7/2023, मतलब 1.5 साल तक के लिए है ये वैलिड। तो आपको अगर एक बार खुल जाए तो फिर तो जल्दी ख़त्म करना है, ये तो नहीं कि आप मतलब खोलने के बाद भी उसे बहुत लंबा नहीं चला सकते। हाँ ये देखो लिखा हुआ है प्लांट बेस्ड GMT सर्टिफाइड, नन GMO, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, अच्छी बात है, तो नो एडिशनल शुगर, ठीक है। चलो ये जो है ना अच्छा होता है, चलो हम सवेरे जब उठते हैं उठ के पानी गर्म पीते हैं तो उसमें मैं 1 चम्मच ये डाल लेती हूँ, 1 वाला डाल लेती हूँ। तो अभी तो हमने इसको खोला ही नहीं है, खैर वो पुराना पहले ख़त्म होगा फिर भी खोलेंगे इसको। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि देखो ये लड़की करके आ रही है कि वहाँ बैठे बैठे भी ऑर्डर करी जा रही है, सामान आ जाता है, हमें बताया भी नहीं होता, बस बेल बजती है आ जाता है। ये इसका बिल था, मेरा बिल 175 ही है इसका बिल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं दूध में पत्ती डाल के चाय पी रही हूँ एक तरह से, अभी एक्सरसाइज करके आई हूँ थोड़ी सी। हस्बैंड पीछे पड़े थे, पार्क जाओ, मैंने कहा देखो पूरा तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, पूरे कपड़े चेंज करके जाओ फिर आगे चेंज करो, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जा कर रही, मैं घर में ही कर लेती हूँ। मैंने 20-25 चक्कर इधर से उधर लगा लिए, और थोड़ी सी मतलब जो है हाथों पैरों की एक्सरसाइज करके आ रही हूँ, और जब फिजियोथेरेपिस्ट आया था उस समय मैंने वो बैठने वाली एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है। तो अब मैंने कहा रात का खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा अभी जल्दी से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं काम करने के लिए, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर। We'll be right back.